कोरोना नहीं हुआ, अभी मेरे कोरोना हो जाए, कोरोना तो ज़्यादा पकड़ता है वो। हमारे नेतागण ही नहीं मास्क लगाते तो फिर आम जनता तो उन्हीं से सीखती है ना। कि जो और डॉक्टर है वो इस कोरोना से भाग रहे हैं, लेकिन मैंने सिर्फ आपके अंदर ये ललक देखी कि आप जो है कोरोना से हमारे हिसार शहर को बचाने में लगे हुए हैं। तो उससे पहले मैंने निगम के अफसर को भी फ़ोन किया था, तो उनका ये कहना था भी हम तो उस गली में नहीं जाते, घर की तो बहुत दूर की बात है सैनिटाइज करने के लिए। क्योंकि अक्सर देखने में आया है कई बार जो केस हुए हैं उसके अंदर प्रशासन की तरफ से कोऑपरेट नहीं किया जा रहा, तो इस यहाँ पर पॉजिटिव आने के बाद जो है हॉस्पिटल्स भी चल रहे हैं, होटल्स भी चल रहे हैं, कोई मास्क नहीं लगा रहा, कोई भी आइसोलेशन पीरियड फॉलो नहीं कर रहा। जो डॉक्टर बार बार पॉजिटिव आ रहा है, 10 को टेस्ट कराया 12 का पॉजिटिव आ गया, 12 को उसने कंटेनमेंट तोड़ के यहाँ पे अपने हॉस्पिटल में आके बाप बेटा दोनों टेस्ट कराते हैं कंटेनमेंट तोड़ के, घर से अपने हॉस्पिटल से निकल के आते हैं रात को, नाम चेंज करके टेस्ट कराते हैं, मोबाइल नंबर चेंज कर लेते हैं, उसके बाद फिर वो 14 को फिर पॉजिटिव आ रहे हैं, उसके बाद 18 को फिर कराते हैं टेस्ट प्राइवेट लैब से, फिर पॉजिटिव आ रहे हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं होता, वो सरेआम ओपीडी कर रहे हैं जिम। हमारी लचर व्यवस्था है, एक तरफ वीआईपी को अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है, वहीं गरीब के साथ अलग व्यवहार किया जाता है। तो सितंबर का महीना ख़त्म होने को है तो आज तक उसका नहीं मुझे पता कुछ हुआ है कि नहीं, ये तो फिर व्यवस्था लचर व्यवस्था है ना। तार के अंदर कई रोगियों की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आ रही है, कई रोगियों की नेगेटिव आ रही है। नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ पर आप जुड़ चुके हैं साक्षी सोनी के साथ। आज मैं आपको एक ऐसे कोरोना वॉरियर से मिलवाने वाली हूँ जिसके बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। कोरोना के बारे में जब से कोरोना चल रहा है आपने इनका नाम तो सबसे ऊपर ही सुना होगा, अक्सर ही अपने कॉन्ट्रोवर्सी और बेबाकी के कारण जो है चर्चा में रहते हैं। हमारे साथ है बायोलॉजिस्ट डॉक्टर रमेश पुनिया। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका सिटी बिग न्यूज़। धन्यवाद धन्यवाद बहुत। सर सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो हिसार की जनता भी आपसे पूछना चाहती है कि आपने इतने सारे कोरोना जिनको हुआ है उनकी मदद की है, तो आपको अब तक कैसे कोरोना नहीं हुआ, आप अब तक कैसे बचे हुए हैं? मैं पिछले 12 साल से गर्म पानी की थेरेपी यूज कर रहा हूँ। मुझे 2008 में टाइफाइड हुआ था 3-4 बार, उसके बाद से मेरा जो इंटेस्टाइन वीक हो गई थी, और उसके बाद से मैं लगातार गर्म पानी पीता हूँ। अपने साथ बोतल रखता हूँ 2 लीटर वाली, भर के लाता हूँ उसको, गाड़ी में ही रखता हूँ और वही यूज करता हूँ सुबह से लेकर रात तक। तो गर्म पानी की थेरेपी से ये सबसे बड़ा एक मेरे लिए पॉजिटिव फैक्टर है। दूसरा, विल पावर आदमी की स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। यदि वो उस वाली बात है शोले फिल्म वाली, जो डर गया सो मर गया, तो डरना सबसे बड़ी इसमें एक है। जितना ज़्यादा फोबिया डर का होगा, अभी मेरे कोरोना हो जाए कोरोना, तो ज़्यादा पकड़ता है वो। इसलिए जितना ज़्यादा बेबाकी आप रखोगे भी मेरे कुछ नहीं होना कुछ नहीं होना, मन में पॉजिटिव एनर्जी आएगी, पॉजिटिव विचार आएंगे, और जो जितना आदमी ये इसके प्रति ये सोच रखेगा भी मेरे के मैं पूरी तरह से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ, तभी आदमी इस चीज़ से बच पाएगा। जो डरेगा वो ज़्यादा मरेगा। सर कोरोना से हमने आपसे तो पूछ लिया कि आप कोरोना से बचाव के लिए क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन हम जनता की बात करें तो जनता किस तरीके से जो है प्रिकॉशन ले सकती है? क्योंकि अब जो नारा चला हुआ है वो ये है कि मास्क ही वैक्सीन है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अक्सर मास्क लगाते हुए नहीं दिख रहे हैं। असल में क्या है, मास्क का हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने मास्क को के लिए कानून बना दिया, हम उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, चलान भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो जनता की सोच है ना, वो सोच निर्भर करती है सामने वाले पे। अब सामने वाला मैं देखता हूँ, कई जलसे हैं, प्रोग्राम होता है, शादी का प्रोग्राम है किसी की, कोई छोटी मोटी पार्टियाँ होती है, किट्टी पार्टियाँ हैं होटलों में जो पार्टियाँ हो रही है, या फिर रैली है, कोई जलसा हो रहा है, उसमें सभी में जो हमारे नेतागण ही मास्क लगाते तो फिर आम जनता तो उन्हीं से सीखती है ना। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब अन्न का त्याग करवाया था, तो एक बार सुनील शास्त्री जी से मेरी मुलाकात हुई, उनके बेटे से, तो उन्होंने एक मेरे को उदाहरण दिया, कहता जब शास्त्री जी ने अन्न छुड़वाया था तो सबसे पहले रात का खाना हमारा ही बंद किया था। तो सबसे पहले इंसान को अपने घर से चलेगा ना, भी मैं अपने बच्चों को भूखा कैसे रखूँगा। जब अपने बच्चों को भूखा रखेगा जब ही वो दूसरे के बच्चों को कह सकता भी आपने एक दिन भूखा रहना है। तो हमें शास्त्री जी से जी जैसे नेताओं से एक प्रेरणा लेनी चाहिए, वो हमारे एक ज़बरदस्त मिसाल रहे हैं देश के इतिहास में, कि उन्होंने जितनी सादगी से जीवन जिया,
नेहरू जवाहरलाल नेहरू जी का कोट उन्होंने मरते दम तक पहनना था, इतना साधारण आदमी, पर लोग उसी कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जो आजकल के नेतागण हैं वो थोड़े से ये नहीं सोचते कि जो आप सामने दिखा रहे हो सामने वाला वही देख के एग्जांपल सेट करेगा। तो मेरी ये तो रिक्वेस्ट है कि आप मास्टर जब खुद अपना कानून लागू करा जब ही बच्चे सीखेंगे ना, जब हम खुद ही गुड़ खा रहे हैं दूसरों को गुड़ गुड़ खाना बुरी बात है तो फिर गुड़ कैसे छूटेगा, छूटेगा ही नहीं। सर आपको एक बार आपके पद से निष्कासित भी कर दिया था यहाँ से, उसके बाद आपने बेबाकी से अपनी आवाज़ उठाई और दोबारा से आप इस पद के ऊपर आए, तो क्या लगता है आपको कि जो और डॉक्टर है वो इस कोरोना से भाग रहे हैं, लेकिन मैंने सिर्फ आपके अंदर ये ललक देखी कि आप जो है कोरोना से हमारे हिसार शहर को बचाने में लगे हुए हैं, तो ये अंदर से जो ये चीज़ है वो आती कैसे है? सबसे पहले इस बात को क्लियर कर दूँ कि मेरे मन में एक ही था कि ये एक आपदा है, एक महामारी है, इस महामारी में किसी को तो आगे आना पड़ेगा ना। अब हमारे जब सारे डरने लग जाएंगे तो फिर उसमें कैसे होएगा। मैंने पहला केस देखा था जो पहली हमारी महिला पॉजिटिव आई थी सेक्टर 16-17 वाली, मुझे याद है उस घर को सैनिटाइज करने के लिए मेरे एक कर्मचारी साथी को साथ लेकर मैं जब गया था सैनिटाइज करने के लिए, तो उससे पहले मैंने निगम के अफसर को भी फ़ोन किया था, तो उनका ये कहना था भी हम तो उस गली में नहीं जाते, घर की तो बहुत दूर की बात है सैनिटाइज करने के लिए। लेकिन फिर मैंने ये सोचा भी जब कोई तो आगे किसी को तो आगे समाज सुधारने के लिए लोगों के अंदर भय का ख़त्म करने के लिए किसी को तो आगे आना पड़ेगा ना, जब हम खुद ही आगे आएंगे तभी जनता में विश्वास पैदा होगा ना भी ये इस बीमारी से हम कैसे लड़ सकते हैं। जब हम ही डर जाएंगे तो फिर कैसे आम पब्लिक को विश्वास होगा कि हम कोरोना से लड़ने में सक्षम हैं। आपको अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की ओर से किस तरीके का सहयोग मिल रहा है, क्योंकि अक्सर देखने में आया है कई बार जो केस हुए हैं उसके अंदर प्रशासन की तरफ से कोऑपरेट नहीं किया जा रहा, तो इसको लेकर आपकी क्या राय है? नहीं, कोऑपरेट तो मिल जाता है, लेकिन कोऑपरेट के साथ साथ एक इंसान तो प्रशासन नहीं है ना, प्रशासन की तो एक पूरी जिम्मेवारी है। कुछ आदमी हमें बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, कुछ बिल्कुल नहीं कर रहे, तो वो तो एक अलग अलग है, हर आदमी की अपनी अपनी सोच है। कोई कोऑपरेट करना चाहता है, कोई इस आपदा को ये सोचता है भी मैं पूरा 100% अपना डिवोट करूँ इस आपदा के अंदर, ऐसे बहुत से हर विभाग में हैं। अब जैसे परसों पानी के टैंकर की ज़रूरत थी तो मैंने अपने माननीय अपने SC पब्लिक हेल्थ को फ़ोन किया, यहाँ पे जो ठंडू राम जी हैं पवार साहब, उन्होंने रात को 11 बजे भी पानी का टैंकर भिजवा दिया ब्राह्मण धर्मशाला में, हमने जो कैदियों के लिए कोविड सेंटर बनाया हुआ है। तो ऐसे ऐसे अफसर भी हैं जो हमें पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, जो पहले SP थे हमारे इससे पहले गंगाराम जी, चाहे उनको हमने 11 बजे फ़ोन किया तो तुरंत उठा लेते थे, फोर्स की जरूरत पड़ी फोर्स भेज देते थे, क्योंकि ऐसा व्यवस्था ऐसी है ना। अब व्यवस्था को चेंज पहली बार तो यूं है नहीं, हर बार महामारी आ रही है, पहली महामारी है ये जो हमारी उम्र का हम देख रहे हैं, उसमें पहली महामारी है, तो उसमें हर आदमी पूरी अपने अंदर से कोशिश करता है देने की, लेकिन कई अफसर ऐसे भी हैं जो डरते ही बहुत हैं, और उन डरने वालों का तो कुछ कर नहीं सकते ना। अब जो मौके का अफसर है यदि वो पूरा कोऑपरेट करेगा नीचे वाले वैसे ही कोऑपरेट करेंगे, जो मौके का अफसर ही कोऑपरेट नहीं करेगा तो नीचे सबॉर्डिनेट उसका कोई कोऑपरेट नहीं करेगा, वो अपने हिसाब से चलेगा। सर आपने व्यवस्था की बात की तो व्यवस्था के ऊपर मैं एक प्रश्न उठाना चाहूँगी कि कुछ समय पहले एक मजदूर पॉजिटिव मिला था जिसके ऊपर गुड़गांव में भी केस किया गया था और यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव आने के बाद जो है हॉस्पिटल्स भी चल रहे हैं, होटल्स भी चल रहे हैं, कोई मास्क नहीं लगा रहा, कोई भी आइसोलेशन पीरियड फॉलो नहीं कर रहा, तो इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, जिस मजदूर की आप बात कर रहे हो वो गुड़गांव में पॉजिटिव आ गया था, और गुड़गांव से वो रात को उसका घर वहाँ पे नहीं था, वो सब्ज़ी बेचने का काम करता था, तो वो वहाँ से गुड़गांव से भागकर हिसार आ गया। अब गुड़गांव वालों ने पुलिस केस करा दिया भागने का, वो हिसार आ गया, हिसार वालों ने पुलिस केस करा दिया भाई गुड़गांव से क्यों हिसार के भागा, उसके ख़िलाफ़ 2 पुलिस केस दर्ज हो गए। और 15 दिन जब पहले हम 14 दिन रखते थे जाट धर्मशाला में, उसको रखा भी गया था कोविड सेंटर के अंदर, उसके ख़िलाफ़ 2 मुकदमे बन गए। और जो डॉक्टर बार बार पॉजिटिव आ रहा है, 10 को टेस्ट कराया 12 का पॉजिटिव आ गया, 12 को उसने कंटेनमेंट तोड़ के यहाँ पे अपने हॉस्पिटल में आके बाप बेटा दोनों टेस्ट कराते हैं कंटेनमेंट तोड़ के, घर से अपने हॉस्पिटल से निकल के आते हैं रात को, नाम चेंज करके टेस्ट कराते हैं, मोबाइल नंबर चेंज कर लेते हैं, उसके बाद फिर वो 14 को फिर पॉजिटिव आ रहे हैं, उसके बाद 18 को फिर कराते हैं टेस्ट प्राइवेट लैब से,
फिर पॉजिटिव आ रहे हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं होता, वो सरेआम ओपीडी कर रहे हैं, जिम में जा रहे हैं। तो ये व्यवस्था तो है, व्यवस्था की लड़ाई तो है ही भैया। आप एक तरफ तो वो इंसान है जो सब्जी बेचता था, उसके खिलाफ दो मुकदमे दर्ज करा दिए, और एक तरफ वो डॉक्टर है, उसको एक पार्टिकुलरली संगठन का सह मिलती है, वो संगठन वाले हमारे स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, नहीं जी स्वास्थ्य विभाग हमें तंग कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, और ड्यूटी मजिस्ट्रेट को भी तंग करते हैं, उसकी वीडियो बनाते हैं, उसके ऊपर आरोप लगाते हैं, अभी हमारे घर में घुस गया, ये पीपी किट डाल के नहीं आया। अरे पीपी किट डाल के नहीं आया तो पीपी किट क्या तुम सभी पेशेंटों को देते हो? पीपी तुम बिना मास्क के, तुम्हारे स्टाफ अंदर बिना मास्क के दवाई दे रहा है मेडिसिन की शॉप पे, तुम उनको तुमने पीपी किट डलवा नहीं रखी, पेशेंटों को तुम सरेआम दवाई दे रहे हो, और ड्यूटी मजिस्ट्रेट को कहते हो पीपी किट डाल के नहीं आया। तो यही तो व्यवस्था है ना भाई, एक तरफ तो आम आदमी है, एक तरफ वीआईपी है, क्योंकि उन्हें संरक्षण प्राप्त है 200-250 लोगों का, जो कहते हैं भी हमने बहुत बड़ा नेक, लेकिन उनको लोग भगवान मानते हैं। मेरी उन भगवानों से ही अपील है, जो भगवान समझते हैं अपने आप को, मेरी उन भगवानों से ही अपील है कि जब भी कोई ऐसा कार्य होता है तो सबसे पहले एक कोशिश है कि अपने स्टाफ का टेस्ट करवाएं, स्टाफ का टेस्ट करा के 48 आवर्स उसको बंद रखें, सैनिटाइज करवा के, स्टाफ में से या जो और जो नेगेटिव आ जाता है वो अपने बाद में चला लो, हमें क्या दिक्कत है, हमारी व्यक्ति विशेष से किसी से लड़ाई नहीं है। यानी कि हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि ये जो सारी की सारी व्यवस्था है उसका कसूर है, जो हमारी लचर व्यवस्था है, एक तरफ वीआईपी को अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है, वहीं गरीब के साथ अलग व्यवहार किया जाता है। तो प्रशासन से साफ तौर पर ये सवाल है कि ये किस तरीके का व्यवहार है जो आप हिसार के अंदर जो वीआईपी लोग हैं और जो गरीब लोगों के साथ अलग अलग कर रहे हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि प्रतिष्ठित लोगों के साथ कई बार आपकी कॉन्ट्रोवर्सी हुई, कई बार हमें सुनने में आया कि कहीं पर आप पोस्टर चस्पा करने के लिए गए, वहाँ पर आपको पोस्टर नहीं लगाने दिया गया, कई बार वीडियो बनाई गई, कई बार कहा गया कि पीपी किट पहन कर नहीं आए, कई बार कई अलग अलग जो है आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए, उसके बावजूद भी आपने जो हिसार की जनता है उसकी सुरक्षा में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। तो और किस किस तरीके की समस्याएं जो है आपको झेलनी पड़ी और उसका सामना आपने किस प्रकार से किया है और जो आप कर रहे हैं? मैं गुरु गोविंद सिंह जी को मानता हूँ और मैंने एक ही चीज़ उनसे सीखी, मैं शुभ कर्मन से कभी ना डरूँ, अपना कर्तव्य मैं करता जा रहा हूँ और मैं कर्तव्य करता रहूँगा। सामने कोई भी हो मैं ये नहीं देखता, मेरे लिए अमीर गरीब सब बराबर है। मैं कोशिश करता हूँ जब ऐसी सिचुएशन के अंदर मुझे टकराना पड़ता है किसी के साथ, चाहे वो प्रतिष्ठित आदमी हो चाहे वो रईस ज़्यादा हो, तो मुझे कोई डर नहीं लगता इन मामलों से। डरना क्या, ज़िंदगी जितने दिन की है अपने स्वावलंब से जियो, और भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है तो हमें डरना किस बात का है, हम अपना कर्म कर रहे हैं, बाकी आगे लागे भगवान देखेगा वो हमें कर्म का फल क्या देता है। बिल्कुल, अगर आप जैसे विचार सभी के हो तो शायद आज हमारी जो व्यवस्था है वो सुधरी हुई होती। सर आगे आपसे जानना चाहूँगी कि हिसार की जनता जो है वो आपके साथ किस प्रकार से कोऑपरेट कर रही है, क्योंकि अगर सड़क पर उतरते हैं हम, ग्राउंड जीरो पर उतरते हैं तो किसी ने भी मास्क नहीं लगाया होता। मास्क का तो बता रहा हूँ ना कि मास्क की तो जो प्रथा है वो थोड़ा सा हमें इस मामले में थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से सख्त होना पड़ेगा, तभी मास्क इतना एलिजिबल, क्योंकि हमारे देश में जनसंख्या बहुत है और हर आदमी के पास, किसी के पास तो मास्क लगाने के पैसे भी नहीं है। जो भी मास्क 2-4-5 रुपए का आता है वो उसके पास अफोर्ड भी नहीं कर पाता। तो सबसे पहले तो सरकार को ये मास्क फ्री ऑफ कॉस्ट बांटने चाहिए, तभी तो बात बनेगी ना। जब हम कह रहे हैं अभी मास्क लगाओ तो हमें सरकार की तरफ से मास्क फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहिए, तभी अगले को एहसास होगा भी हमने मास्क लगाना है। जो पैसे से खरीदना चाहते हैं वो ये सोचते हैं भाई, अब मैं एक संस्कार से आया हूँ अभी बस स्टैंड के पास, तो मतलब उसके घरवाले की डेथ होगी तो कहता सरकार का काम लकड़ी के पैसे देना, अब लकड़ी के पैसे भी नहीं दे रहा वो। तो वो मानसिकता लोगों की ये है भाई, हर काम सरकार करेगी, हमने कुछ नहीं करना, हम तो फ्री में खाएंगे, ये हमारे देश की मानसिकता है, क्योंकि हम एक सब्सिडी में जीते हैं, हर चीज़ सोचते हैं फ्री, रिजर्वेशन, सब्सिडी, ये चीज़ें चल रही है ना। अब ये परिवर्तन ये तो हम नहीं कर सकते, तो
जो पॉलिटिशियन है, जो कॉन्शियस मेकर है, उन्होंने करना, हमारा काम नहीं है। बिल्कुल, हम सभी ये सोचते हैं कि सरकार हमारे लिए सब कुछ करेगी, तो सरकार आपके मुंह के अंदर निवाला तो नहीं दे सकती, वो तो आपको खुद ही डालना पड़ेगा। उसी प्रकार मास्क भी आपको खुद ही लगाना पड़ेगा। सर, एक ज़रूरी सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अब तक कितने कोरोना पेशेंट जो है हिसार के अंदर मिल चुके हैं और कितने जनों की मृत्यु हो चुकी है? अब तो 58 डेथ हो चुकी है, और इसमें एक नॉन कोविड थी, बाकी 57 कोविड से हुई है। और केस तो डेली 100 से ऊपर आ रहे हैं। अब तक टोटल हमारे पास जो आंकड़ा है उसमें 6187 केस अभी हमारे मिल चुके हैं, जिसमें से 1341 केस एक्टिव हैं, पॉजिटिव केस। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि किस प्रकार के जो रोगी हैं उनको रोग होता है और उनकी मृत्यु हो जाती है? ऐसा है, जो क्रॉनिक डिजीज कोई भी हो, शुगर है, हार्ट है, हार्ट पेशेंट है, और थायराइड है, निमोनिया है, एस्थमेटिक है, उनको दिक्कत है, जिनकी इम्यूनिटी वीक है, जब वो किसी एंगल से हो, तो जो जिसकी भी इम्यूनिटी वीक हो उसको दिक्कत है इस बीमारी के अंदर, वो अटैक करता है, लंग्स पे भी करता है। तो हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे पहले हर आदमी को अपनी ज़िंदगी में समय निकालना चाहिए, उसको आधा घंटा कम से कम अपने शरीर पर लगाना चाहिए सुबह उठने के बाद। मेरे तो सभी से यही अपील है, जैसे मैं सुबह 2 घंटे लगाता हूँ, पिछले जब से मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में मैंने हॉस्ट संभाला है, ऐसे ही मैं कुरुक्षेत्र पढ़ा हूँ, वहाँ भी मेरा यही काम था, यहाँ भी मैं 20 साल से लगातार टाउन पार्क में जा रहा हूँ और 2 घंटे सुबह लगाता हूँ, और भी 100-150 लोग मेरे साथ होते हैं जो योगा भी करते हैं, वॉक भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। सबसे ज़रूरी हमें यही है, हमें एहतियात बरतना चाहिए, हमें सावधानी बरतनी चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कम से कम कोई भी सामाजिक समारोह है, कोई फंक्शन कर रहे हैं, घर का फंक्शन है, सामूहिक फंक्शन हम करें तो उसको छोटा से छोटा करें, पारिवारिक फंक्शन है उसको छोटा से छोटा करें, तो इसलिए उससे फिर अपने आप ही कम हो जाएगा। सर, हिसार के अंदर जो हॉस्पिटल है, एक हॉस्पिटल की बात भी चल रही है निजी अस्पताल की, कि वहाँ पर डॉक्टर की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है 2-3 बार, उसके बाद भी जो है हॉस्पिटल चल रहा है, उसी तरीके से स्टाफ चल रहा है, कोई जांच नहीं कराई जा रही, तो इसके ऊपर प्रशासन की तरफ से क्या एक्शन लिया जा सकता है? मैंने तो अपनी तरफ से लिख के दे रखा है, एक्शन लेना या ना लेना तो प्रशासन का काम है, मैं अपनी तरफ से कागजी कार्रवाई पूरी कर देता हूँ। मैंने पहले एक ज्वेलरी वाले के खिलाफ भी लिख के दिया था जी। जिसके परिवार के शादी में 200 लोग पॉजिटिव आए थे, मेरा काम है लिखना, अपनी तरफ से लिख के देना, आगे काम प्रशासन का, ये मेरा काम नहीं है, वो कार्रवाई करता है या नहीं करता है। अब उन्होंने कमेटी बना रखी है, उस कमेटी में क्या, आज तक ज्वेलरी वाले का नहीं पता मुझे कमेटी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आज तक मुझे उस रईस जादे का नहीं पता जिसकी वजह से मुझे हटाया गया था कोविड के मोमेंट से, भी उसका क्या हुआ। अब 10 मई की मेरी कंप्लेंट की हुई थी और आज सितंबर का महीना ख़त्म होने को है, तो आज तक उसका नहीं मुझे पता कुछ हुआ है कि नहीं। ये तो फिर व्यवस्था लचर व्यवस्था है ना भाई, जब हमारे जैसे लोगों की सुनवाई नहीं होती, आज तक उसके खिलाफ़ क्या एक्शन हुआ मुझे नहीं पता। वो रिपोर्ट जो गुड़गांव में छेड़छाड़ की थी वो किसने की थी मुझे नहीं पता, छेड़छाड़ का VIP सूट में वो ठहरा था, PWD B&R रेस्ट हाउस में, वो किसके इशारे पर ठहरा था और वो क्यों ठहरा था मुझे नहीं पता इस बात का। तो मैंने तो लिख के तो अपने पॉइंट दे दिए थे, अब जांच करना तो प्रशासन का काम, मेरा काम तो नहीं है। हमारा काम है कोरोना की इस जंग में आम पब्लिक को सुविधाएं उपलब्ध करवाना, उनको एक हौसला देना, वो हम अपना काम, मैं और मेरी पूरी टीम, स्वास्थ्य विभाग का हर कर्मचारी और डॉक्टर सब लगा हुआ है, हम अपनी तरफ से। सर, शहर शहर गली गली के अंदर ये चर्चा है कि हिसार के अंदर कई रोगियों की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आ रही है, कई रोगियों की नेगेटिव आ रही है, यहाँ से कराते हैं पॉजिटिव आती है, किसी निजी लैब से कराते हैं तो नेगेटिव आती है, या फिर वहाँ से पॉजिटिव आती है, यहाँ से नेगेटिव आती है, तो ये क्या चक्कर चल रहा है? ये तो लेने का तरीका भी हो जाता है, वायरस का लोड भी हो जाता है, जो सैंपल जो लेता है, एक डॉक्टर पूरा डीपली लेता है उसमें वायरस का लोड ज़्यादा आ जाता है, एक डॉक्टर जब थोड़ा सा ऊपर से ले लेता है तो उसमें लोड कम आ जाता है। दूसरी बात, जो हमारी पहली महिला पॉजिटिव आई थी वो 48 आवर के अंदर नेगेटिव भी आ गई थी, मान लो आज पॉजिटिव हूँ मैं और दो दिन बाद हो सकता है मैं नेगेटिव भी आ जाऊँ, प्राइवेट लैब से कराऊँगा तो क्या पता नेगेटिव आ जाऊँ, या सरकारी से कराएंगे नेगेटिव आ जाए, ये तो बॉडी की इम्यून पर डिपेंड करता है ना। अच्छा। जरूरी तो नहीं है एक आदमी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, एक जिस हॉस्पिटल की आप बात कर रहे हो उसने 10 को टेस्ट कराया 12 को पॉजिटिव, 12 को उसने कंटेनमेंट जोन तोड़ के टेस्ट कराया 14 को पॉजिटिव, 18 को टेस्ट कराया 19 का पॉजिटिव, तो ये तो हर आदमी का, वैसे वो कहता रहा मैं वेट लिफ्टर हूँ मेरे साथ वेट लिफ्टिंग कर लो, लेकिन पॉजिटिव क्यों आ रहा था, इम्यूनिटी वीक होगी उसकी जी। तो
तो ये कोई बात नहीं है, हर इंसान का अलग अलग है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद बहुत बहुत। तो ये थे हमारे साथ बायोलॉजिस्ट डॉक्टर रमेश पुनिया, जिनसे मैंने आपको रूबरू करवाया। इनसे हमने पूछा कि आखिरकार किस तरीके से जो रोगी हैं वो ठीक हो सकते हैं, किस तरीके से अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, किस तरीके की समस्याओं को इनको सामना करना पड़े। ऐसे ही आगे मैं आपको और हस्तियों से रूबरू करवाती रहूँगी। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ सिटी विग न्यूज़ पर। नमस्कार।